हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है एस के जॉब ज्ञान में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती की तो दोस्तों इसकी जो लिखित परीक्षा है वो तीन जनवरी 2021 को होने वाली है तो दोस्तों ये इसकी न्यू अपडेट है और दोस्तों जो इसकी टोटल वैकेंसीज हैं वो सतारह सौ बाईस हैं तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कब से ये डाउनलोड होने वाले हैं तो दोस्तों उसी के बारे में हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आपने हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस के जो ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशंस के बारे में आपको पता चल सके दोस्तों इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन संख्या पाँच दो हजार उन्नीस है तो दोस्तों ड्राइवर भर्ती की है जिसमें आपको चालक सिपाही के पद हैं तो दोस्तों इसमें जो आपको टोटल पद हैं वो सतारह सौ बाईस दिए गए हैं और इसका जो लिखित परीक्षा का दिनांक है वो तीन एक दो हजार इक्कीस दिन रविवार है तो दोस्तों जो ये आपके पेपर है ये तीन एक दो हजार इक्कीस को दस बजे से बारह बजे तक होंगे तो दोस्तों जो इसका रिपोर्टिंग टाइम है वो आपको नौ बजे दिया गया है तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं इसके ई प्रवेश पत्र की तो दोस्तों इसकी जो पहले परीक्षा थी वो चौदह दस दो हजार बीस को निर्धारित की गई थी तो दोस्तों किसी वजह से ये उस टाइम नहीं हो सकी तो दोस्तों अब इसमें अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश पत्र दिनांक तीन एक दो हज़ार इक्कीस को आयोजित परीक्षा में मान्य होंगे तो दोस्तों जो आपके पास पहले के एडमिट कार्ड हैं वो इसमें मान्य होंगे तो दोस्तों अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप 10 बारह 2020 से आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों अगर किसी कारणवश आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है तो आप इनके जो ऑफिस में जाकर जो कि आपका केंद्रीय चयन परिषद स्पाही भर्ती के बैंक होर्डिंग रोड पटना स्थित कार्यालय से अपने खर्च पर डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों आपने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ई प्रवेश पत्र के साथ अपना एक अवैध फोटो पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड आधार कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा और यदि ई प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी परीक्षा स्थल पर अपने साथ आवेदन पत्र के समरूप दो फोटोग्राफ दो माह के भीतर खींचा हुआ लाना पड़ेगा तो दोस्तों इसके बाद इसमें जो आपको अगर आपका किसी कारणवश एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सके तो उसके लिए आपको तीस बारह दो हज़ार बीस को सुबह दस बजे से शाम पाँच बजे तक इनके केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के बैंक होल्डिंग रोड सचिवालय होल्ट के नज़दीक पटना स्थित कार्यालय से अपने आवेदन पत्र के पावर्ती की छाया प्रति एवं एक वेद फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपने खर्च पर डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों इसके बाद आपको जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको अपने जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसकी सैंपल कॉपी दी गई है कि आपको ऐसे इसकी जो आपका पेपर है वो कुछ इस तरह से आपको इसमें आंसर देने पड़ेंगे तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल एस के ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत